फ्रेंड्स, टाइटन में लेडीज के लिए एक नया आर्टिकल लॉन्च किया गया। तीन डिफरेंट कलर में इस आर्टिकल को डिजाइन किया गया। तीनों ही जो कलर्स हैं, कॉम्बिनेशन है, काफी आपको बेहतरीन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आप मटेरियल भी देखेंगे, मटेरियल भी आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में देखने को मिलेगा। 9518KD010203 तीन कलर्स 9995 यानी 10,000 से 5 रुपये कम की प्राइस रेंज में। जो इसमें आपको इंटरनल सेरामिक पोर्शन की लुक वाला मटेरियल देखने को मिल रहा है, ये हाई प्लास्टिक मटेरियल है, इसे हम एक्रिलेट मटेरियल कहते हैं, यानी ये सेरामिक नहीं है। जितनी भी आपको क्लासिक लुक में वॉचेज देखने को मिल रही हैं, उन सभी में जो ऐसा लुक देखने को मिलता है वो सिमिलर प्लास्टिक, हैवी प्लास्टिक मटेरियल होता है, एक्रिलेट मटेरियल होता है। इसमें आपको जो कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है बहुत बेहतरीन देखने को मिलता है, क्योंकि तीन कलर है, तीनों में ही आपको जो ये एक्रिलेट मटेरियल है उसका कलर आपके डायल के साथ मैचिंग किया गया। नीडल्स का जो कलर है आपके बाहरी मटेरियल के साथ और बाहरी कलर के साथ मैच किया गया। उसके अलावा आपको ब्लैक कलर की इंटरनल नंबरिंग देखने को मिल जाएगी। अभी हम बात करते हैं अगर इंटरनल डायल की, डायल का कलर आपको ब्लूइश कलर में, स्काई ब्लू कलर में देखने को मिलता है, थोड़ा डार्क कलर है स्काई ब्लू में भी, और उसमें आपको टाइटन का लोगो देखने को मिलता है, टाइटन कॉपर में देखने को मिलता है, और तीन आपको फीचर देखने को मिलते हैं। ये मल्टीफंक्शन वॉच है, यहाँ पे आपको डेट, डे एंड सेकंड्स, जो कि आपको सेकंड्स की नीडल डाउन पे देखने को मिलती है। उसका कारण है कि ये वॉच स्लिम लाइन लुक में बनाई गई है, और अगर अपर में आता तो लुक बिल्कुल ही डाउनग्रेड हो जाती है। तो उसके अलावा आपको इंडेक्स कॉपर के साथ देखने को मिलते हैं, डॉट डॉट से लुक में दी गई है, और सेकंड्स भी आपको एक खूबसूरत लुक में डिज़ाइन किया गया है। आपको जो इंटरनल डायल है, डायल में आपको एक रिंग देखने को मिलता है जो कि इंडेक्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, और उसमें आपको कट भी देखने को मिलता है जो कि इसकी लुक को और भी बढ़ा देता है। उसके अलावा आप जो नंबरिंग देखते हैं या जो आप मल्टीफंक्शन फीचर्स देखते हैं, वो भी आपको एक राउंड में कॉपर के साथ कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छी लुक दी हुई है। इसकी टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे आपने क्राउन को बाहर निकाला, क्राउन की मूवमेंट के साथ आपके जो अपर मूवमेंट करनी है उसी के साथ 24 आवर्स के अकॉर्डिंगली आपने टाइम मूवमेंट करनी है। टाइम मूवमेंट जैसे ही आपके डन हो गए, सपोज आपने 3 बजे का टाइम सेट करना है, 3 बजे का कर दिया, अब आपको सेंटर पोर्शन पर लेके आना क्राउन को, आप मूवमेंट करेंगे तो आपकी डेट मूवमेंट होगी, डाउन मूवमेंट पर आपको डे की मूवमेंट दिखाई दे देगी। तो ऐसे ही आपने टाइम सेटिंग करनी है। ये तो टाइम सेटिंग का प्रोसेस हुआ। अब बात करते हैं अगर इसकी बाहरी केस की, तो बाहरी केस में आपको जो कलर देखने को मिलता है कॉपर के कॉम्बिनेशन में कलर है, और आपको इसमें जो डायमंड के स्टड्स देखने को मिलते हैं, ये आपको आप हाथ भी लगाएंगे आपको प्रॉपरली बाहर फील नहीं होंगे, क्योंकि इसके फिक्सिंग ही कुछ इस तरह से की होती है ताकि ये निकलने के चांसेस ना रहें। ये सिर्फ और सिर्फ तभी होता है पॉसिबल जब आपके ब्रेकेज के चांसेस आते हैं। जो अपर आप ग्लास देख रहे हैं, ये ग्लास आपको हैवी मटेरियल में देखने को मिलता है, प्लस ग्लास के ऊपर भी आपको कोडिंग देखने को मिलती है, कॉपर कलर की कोडिंग की गई है जो इसकी लुक को बढ़ाता है और भी इंक्रीज कर देता है इसकी लुक को। और ये पोर्शन आपको थोड़ा सा साइज़ में, केस के साइज़ से छोटा देखने को मिलता है जो इसकी लुक बनाने के लिए, क्योंकि जब हम बैंगल्स वाला चेन अटैच करते हैं तो यहाँ से हमें लुक को थोड़ा सा कर्व देना पड़ता है, थोड़ा साइज छोटा करना पड़ता है ताकि बैंगल वाला चेन उसमें फिक्स हो जाए, और उसी के साथ आपको केस के भी साइज में चेंजेस करनी पड़ती है। स्लिम लाइन आपको इसका केस मटेरियल देखने को मिलता है, यहाँ से आप कर्व देख सकते हैं, काफ़ी कर्व को बढ़ाया गया है, और बैक पे भी आपको जो बैक कवर देखने को मिलता है वो भी आपको थोड़ा सोच आकार में छोटा देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ब्रेसलेट वाला चेन है, और इसमें जो लॉक है आपको ज्वेलरी कलेक्शन लॉक देखने को मिलता है। बैक साइड पे आप ध्यान देंगे, स्टेनलेस स्टील बैक कवर, आर्टिकल नंबर दिया हुआ है, यूनिक कोड एंड 50 मीटर वाटर सिस्टम। यूनिक कोड का आप स्कैन करके वॉच की वारंटी को ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं, वो भी प्रोसेस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो वियरिंग करके भी देखते हैं, उससे पहले हम तीनों कलर की एक बार लुक दिखा देता हूँ मैं। पीच कलर का इंटरनल डायल की लुक, डार्क ब्राउनिश कलर, इंटरनल डायल भी आपको डार्क ब्राउन कलर में देखने को मिलता है।
वेयरिंग में आप इसके लुक देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लुक, और लेडीज़ के हाथ पे इसकी और भी ग्रेस देखने को मिल जाएगी। आपको इन तीनों में से कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। कोई क्यूरीज हो कमेंट के माध्यम से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।